कभी कभी ना मेरा मन ऐसे करता है कि कुछ ऐसा क्राफ्ट करूँ जिसमें ना मैं कोई कलर्स का यूज़ ना करूँ। तो बस आज ना मैं यही सोच के क्राफ्ट कर रही हूँ कि मुझे एक भी कलर्स का यूज़ ना करना पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड यहाँ पे ले लिया है मैंने एक कटोरा और उसमें डालेंगे हम हॉट वाटर। तो यहाँ पर हम लोग डालने वाले हैं खाली पेंट की बॉटल्स। तो ये मेरे पास काफ़ी सारी पेंट की बॉटल खाली हो गई है, तो चलो आज मैं इसको जल्दी से साफ़ करने की आपको एक निंजा टेक्निक बताती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने डाला इसमें हॉट वाटर, इनको थोड़ी देर के लिए डिप करके छोड़ देना। एंड उसके बाद इजीली आप ब्रश से ऐसे रब करेंगे ना तो इजीली सारा कलर निकल जाएगा। एंड इसका लेबल भी इतनी आसानी से निकल जाता है कि इसमें आपको ना ज़्यादा मेहनत की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड ईजीली सब कुछ रिमूव हो जाता है। आज के मेरे तीनों आइडिया इन्हीं बॉटल से रिलेटेड हैं, तो चलिए देख लेते हैं पहला DIY। तो पहले हम बनाएंगे ऑर्गेनाइज़र। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे मेरे पास सीक्वेंस वगैरह हैं एंड ये ऐसे ही जिप लॉक वाले रैपर में पड़े रहते हैं, तो चलो इनको ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो ये पेंट की जो छोटी छोटी बॉटल्स होती है ना, ये बहुत काम आती है। तो अगली बार ना आप इन्हें फेंकने से पहले इस टाइप का ऑर्गेनाइज़र बना लीजिएगा एंड सारी चीज़ों को स्टोर करने में ना ये बहुत काम आती है। तो ये था हमारा पहला DIY, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं सेकेंड DIY की तरफ। तो यहाँ पे हम बनाएंगे मिनी प्लांटर्स एंड ये इतने ईजी होने वाले हैं ना। तो यहाँ पे यही मैं जो अभी तोड़ रही थी ना, आपने वीडियो में देखा होगा, ये मैं कचरे से तोड़ के लाई थी, ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं। एंड यहाँ पे मैंने एक थ्रेड का यूज़ किया है कलर्ड वाले, तो उसे बस इस तरह से हम लपेट देंगे एंड यहाँ पे हम एक बो टाइप की नॉट बांध देंगे। तो ये हमारा जो क्यूट सा ईजी सा प्लांटर है ना, वो बन के रेडी हो जाएगा। ये छोटे छोटे से प्लांटर्स ना आप कहीं पर भी घर में डेकोरेट कर सकते हैं एंड ईजिली इसमें रोज आप ये फ्लावर्स और ये जो मैंने लगाया है ना, इसे चेंज भी कर सकते हैं। मेरे पास कुछ ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स पड़े हुए थे, तो इन्हें भी मैं यहाँ पे खाली बॉटल्स में इस तरह से डाल दूंगी। एंड अगेन मैं यहाँ पे नॉट टाई करूँगी, बट यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर के थ्रेड्स का यूज़ किया है। तो आज की DIYs काफ़ी क्विक एंड ईजी होने वाले हैं एंड आप इन्हें बिल्कुल बिना कलर के 1 मिनट से 2 मिनट्स में बना सकते हैं। तो मेरे ये आइडियाज़ आपको कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। एंड हाँ, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पहले ना मैंने इनका हैंगिंग प्लांटर बनाने का सोचा था, बट मैं ना जब भी कुछ करने जाती हूँ ना तो इतनी गड़बड़ होती है कि मुझे ना कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि कोई काम मुझसे ना हो ही नहीं पाएगा। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो इनका एक क्विक लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलो बढ़ते हैं हमारी अगले निंजा टेक्निक की तरफ। तो उसके लिए भी हम खाली पेंट की बोतल का यूज़ करेंगे एंड बनाएंगे ब्यूटीफुल सी कैंडल्स। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बाउल ले लिया है एंड ये मेरे पास कुछ कैंडल्स पड़ी हुई थी एंड ये वैक्स कलर मेरे बच्चों के हैं जो काफ़ी वेस्ट हो चुके हैं, तो बस आज इन्हीं दोनों से हम कमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कैंडल को तोड़ लिया है एंड इसका जो थ्रेड निकला है ना, उसे भी बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे हम। तो मैंने बोला है कि मैं कलर्स का यूज़ नहीं करूँगी, बट हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर यूज़ कर रही हूँ यार। तो ये वैक्स कलर है, कोई भी मैं यहाँ पे पेंट वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इसे मेल्ट कर लिया है एंड मेल्ट इसे डायरेक्टली आप गैस में रखकर उसे मेल्ट नहीं करना है, आपको पहले एक बर्तन रखना है एंड उसके ऊपर बाउल रख के उसमें आपको वैक्स डालना है, तो वो ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद हम इन्हें कैंडल्स में इस तरह से भर देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा धागा निकला हुआ था उसे ही हम लगा देंगे इसमें। तो ये हमारी ब्यूटीफुल सी कैंडल्स बन के रेडी है। तो आई होप आज की ये ब्यूटीफुल से आइडियाज आपके काम जरूर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे से DIY के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।